हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के अपने चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। आज हम करेंगे वृद्धि संधि की ट्रिक, देखेंगे कि कैसे आप इनको पहचानेंगे अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके पहले हमने आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, ये आपके पार्ट बाय पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आज से हम करेंगे पार्ट थर्ड। और ये आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स हो कि आपके कम समय में आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए वृद्धि संधि के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको लास्ट तक देखना है सब कुछ। आपको एक नोट्स बना लेना है, जहां पे आपको नोट डाउन कर लेना है, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप एंड आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि छोटा बड़ा के बाद छोटा ए एंड ए आए तो आए होगा, चेंज जो होगा छोटा बड़ा के बाद ओ आओ आए तो क्या हो जाएगा, आओ में चेंज हो गया। छोटा बड़ा के बाद रा आए तो काय में चेंज होगा, आर में चेंज हो जाएगा। ये चेंजेस आपको ध्यान रखना है, जो ये परिवर्तन हो रहा है आपके इसमें, इन चेंजेस को आपको नोट डाउन कर लेना, और अगर आप एक से दो बार इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से पहचानने में जो इसके आपके वृद्धि संधि के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको पहचान पाएंगे, ठीक है। और हमारी जो यहाँ पे ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रिक दी गई है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक क्या है, जब किसी शब्द में आपकी ये मात्रा साथ ही साथ ओ की मात्रा आए तो वो क्या होगा, वो आपकी वृद्धि संधि होगा, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए। जब भी आपकी इन मात्राओं को आप देखें तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं क्या, वृद्धि संधि। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको एक बात और ध्यान रखना है, क्या इस डायग्राम को आप इसी तरह से अपने नोट्स में बना लीजिए। कैसे, देखिए छोटा और ए मिलके क्या बनेगा, आए। बड़ा आ और ए मिलके क्या बनेगा, ए। छोटा आ एंड ए मिलके क्या बनेगा, ए। बड़ा आ एंड ए मिलके क्या बनेगा, ए। तो ये चेंज जो होंगे मिलके क्या बनेंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के द्वारा अगर हम देखें, कैसे आप देखेंगे एक 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 में आप देखेंगे क्या होगा, एक प्लस एक, एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक एक। और जो हमारी ट्रिक है, जो मात्रा हमने आपको ध्यान रखने को बोला है, अगर आप इस मात्रा को देखेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वृद्धि संधि करके आएंगे और आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, ठीक है। देखिए सेकंड अगर हम बात करें शुभैषी, शुभैषी में शुभ प्लस एशी, वसुदेव, वसुदेव में वसुधा प्लस एव, आ एंड ए तो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि वसुधैव। सदैव में सदा प्लस एव, स्वैच्छिक में क्या हो जाएगा, स्व प्लस ऐच्छिक, महेश्वर में क्या हो जाएगा, महेश्वर में आपके महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, राकेश्वर में क्या हो जाएगा, राका प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ और ए इनका जो प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखेंगे तो आपका ये चेंजेस जो होगा इसी में होगा, किसमें, ए में चेंज होगा। इसी तरह से एक और आपके लिए एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, इसको भी आप सभी को इसी तरह से नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। तो क्या करना है आपको, जैसे कि देखिए छोटा ओ जो चेंज हो के आपके किस में, ओ में चेंज होगा, बड़ा आ ओ ओ में चेंज होगा, छोटा आ ओ मिलके आपके ओ में चेंज होगा, एंड बड़ा आ और ओ मिलके आपका ओ में चेंज होगा। एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल कैसे देखेंगे आप, जलौद, जलौद तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो जल प्लस ओध, यानी आ प्लस ओ किस में चेंज होगा, ओ में चेंज होगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट परमोजस्वी, परमोजस्वी में क्या होगा, आपके परम प्लस ओजस्वी, आ प्लस ओ चेंज किस में होगा, औ में। फिर आप जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गंगोद हो गया, गंगा प्लस शोध, परमौषधि हो गया परम प्लस औषधि, महाऔषध हो गया महा प्लस औषध, गंगोचित्त हो गया गंगा प्लस औचित्य। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन एग्जांपल्स के माध्यम से, और आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो ये हमारी आज की ट्रिक यहीं पे एंड होती है। अब आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वृद्धि संधि से तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुँच पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।